यस फ्रेंड्स दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह गाइज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आया है एक डेट इज़ अ डिसीजन रिगार्डिंग कॉलेज एग्जामिनेशन इन मुंबई विल बी टेक इन नेक्स्ट थ्री फोर डेज ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी ने बोला है गाइज uh, uh, बच्चों को काफ़ी डाउट था सर हमारे एग्ज़ाम्स कभी होंगे ये लॉकडाउन तो एक्सटेंड होते ही जा रहा है कभी हमारे एग्जाम्स होंगे काफ़ी डाउट था स्टूडेंट्स uh, लोग को तो यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट गाइडलाइन इशू किया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट बोला है तीन से चार दिन के अंदर डिसीज़न ले लिया जाएगा मीन्स एक तारीख को ही बोला गया है ठीक है तीन से चार दिन के अंदर डिसीजन ले लिया जाएगा तो चलिए एक बार देख लेते इसको पूरा डिटेल्स में क्या बोला गया है ज़रा देखिए आपको सबको मालूम है यू का गाइडलाइन आया है यू uh, जी का गाइडलाइन आया है जे जो भी एग्ज़ाम्स है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर वो एग्ज़ाम्स कब तक ले, ले लेना चाहिए uh, उनका क्लियर कट गाइडलाइन है फर्स्ट जुलाई से लेकर फिफ्टीन जुलाई के बीच में एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के फिफ्टीन जुलाई के पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए वाई बिकॉज न्यू एकेडमिक ईयर चालू होगा ऑगस्ट फर्स्ट ऑगस्ट से तो एनी हाउ इनको एग्ज़ाम्स कंप्लीट करना है जुलाई फिफ्टीन तक बिकॉज़ नेक्स्ट एकेडमिक ईयर चालू होगा ऑगस्ट तक ठीक है तो ए यू जी सी का गाइडलाइन आया मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए तो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उन वाइस चांसलर कौन है आपको मैं बता दूँ सुहास पेंड पेडनेकर ठीक है सुहास पेडनेकर जी ने क्लियर कट बोला है वी हैव रिसिव अ डायरेक्टिव फ्रॉम यू जी सी ठीक है गाइस देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा था वी हैव रिसिव अ डायरेक्टिव फ्रॉम यू जी सी मुंबई यूनिवर्सिटी कमिटी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग नेसेसरी प्रिपरेशन द डिसीजन ऑन एग्जामिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी टेकन इन नेक्स्ट थ्री फोर डेज मतलब इन्होंने क्लियर कट बोला है जो तीन से चार दिन के अंदर हम डिसीजन ले लेंगे टाइम uh, मतलब एग्ज़ाम्स कैसे लेना है क्लियर कट यस मतलब तीन से चार दिन के अंदर शेड्यूल्स आ जाएंगे आगे बढ़ते हैं यू जी सी ने यू जी सी ने और क्या बोला है ज़रा ध्यान से समझना यू जी सी ने क्लियर कट बोला ऑन वेनेस डे दैट इज़ फर्स्ट मे को सजेशन दिया है सजेस्ट कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओनली फॉर स्टूडेंट इन फाइनल सेमिस्टर मतलब फाइनल सेमिस्टर आपको समझ गया लास्ट ईयर का जो सेम एग्ज़ाम होता है जैसे टी वाई वी कॉम सिक्स एम बैफ का सिक्स एम जो भी है फाइनल का सेक्शन ठीक है फाइनल एग्ज़ाम जो भी फाइनल एग्जाम्स होंगे उनके एग्जाम से ना लाइक कंडक्ट किए जाए और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है द स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट स्टूडेंट ग्रेडिट ऑन बेसिस ऑफ इंटरनल लाइक सजेशन दिया यू जी सी ने बोला जो फाइनल के स्टूडेंट है उनके एग्ज़ाम्स हो जाए और जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है जो बीच के स्टूडेंट हैं एफ वाई बी कॉम एस वाई बी कॉम उनको लाइक ये ऑप्शनस दिया है हो सकता है इनको प्रमोट कर दिया जाए इंटरनल असाइनमेंट जो इनका इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे उनको एक प्रमोट कर दिया जाए ग्रेड दे के या दूसरा कुछ ये भी बोला है उन्होंने सजेशन दिया है जो भी एग्ज़ाम्स कुछ इनोवेटिव मोड से एग्ज़ाम लिया जाए देखो गाइस ऑनलाइन एग्ज़ाम पक्का नहीं हो सकता है तो क्लियर है ठीक है सजेशन दिया है नेक्स्ट इन्होंने क्लियर कट बोला है तीन घंटे का जो एग्ज़ाम्स होता है उसको ट्राई किया जाए टू टू आवर्स के अंदर एग्जाम्स लेने के मतलब ये सब सजेशन ही यू यू जी सी का फाइनली एग्ज़ाम्स कैसा लेना है कौन डिसाइड करेगा मुंबई यूनिवर्सिटी यू जी सी ने क्लियर कट बोला है पंद्रह जुलाई तक कैसे भी एग्जाम्स हो जाने चाहिए क्लियर कट है गाइस आगे बढ़ते अब जरा देख रहे क्या बोला है इन केस सिचुएशन डज नॉट कैट बैक नॉर्मल बाय जुलाई फिफ्थ हाँ अगर बोल रहा है अगर एक कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन की वजह से सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है तो वो केस में वो केस में जुलाई तक अगर नॉर्मल नहीं होता है तो वो केस में फाइनल के स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है फिफ्टी परसेंट मार्क्स उनको इंटरनल ईवेलएशन के पर दे दिया जाए मतलब बच्चों के इंटरनल ईवेलुएशन के बेसिस पे, और फिफ्टी परसेंट मार्क्स उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस प्रीवियस सेम या जो भी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर दे दिया जाए ठीक है इंटरनल इवेलेशन कैन बी कंटिन्यूस इवेल्यूशन प्रीलियम मीट मतलब इंटरनल इवेल्यूशन की मतलब क्लियर कट आपको समझ गया इसमें क्या बोला है लोग ने एक सिंपल मैं आपको समरी बता देता हूँ ठीक है यू जी सी का गाइडलाइन आया एक तारीख को उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है पंद्रह जुलाई तक एग्ज़ाम ले लो मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी ने बोला है हम तीन से चार दिन के अंदर डिसीजन ले लेंगे एग्ज़ाम्स कैसे लेना है ठीक है एग्ज़ाम्स तो लेना है बट कैसे लेना है मतलब शेड्यूल क्या होगा एग्जाम्स लेने के ठीक है हाँ और यू जी सी ने इनको एक सजेशन भी दिया है अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो फिफ्टी परसेंट मार्क्स उनके इंटरनल बेसिस पे फिफ्टी परसेंट ऑन द उनके प्रीवियस बेसिस प्रीवियस एग्जामिनेशन आई होप आपको समझ गया गाइस मैंने एक सिंपल तरीके से बता दिया गाइस जो भी अपडेट आएगा कुछ भी अपडेट आएगा मैं नज़र रख रहा हूँ कुछ भी अपडेट आएगा मैं क्विकली आपको अपडेट कर दूँगा ठीक है गाइस बस दो से तीन दिन के अंदर अपडेट आ जाएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूँगा आपको वीडियो अच्छे लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच गाइस